हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रिय सर विद्यापीठ के ऊपर। मायसेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा बीई के फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर रेगुलर के स्टूडेंट और रेमेडियल के फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म के रिगार्डिंग फाइनली अपडेट आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम फॉर्म कब फिलअप करने हैं वो बताने वाला हूँ और आपकी एग्जाम अप्रोक्सीमेट कौन सी डेट पे हो सकती है उसकी भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और इंस्टेंट अपडेट के लिए इंस्टाग्राम हैंडल प्रियसर विद्यापीठ को भी फॉलो कर लीजिए। जीटीयू की वेबसाइट पे सर्कुलर सेक्शन में जाए तो आपको दो सर्कुलर दिख रहे हैं। एक है बीई के 5 to 7 सेमेस्टर रेमेडियल एंड टर्म एक्सटेंशन स्टूडेंट का और दूसरा सर्कुलर है 5 and 7 सेमेस्टर के रेगुलर एंड टर्म एक्सटेंशन स्टूडेंट का। ये 5 to 7 लिखा है, मतलब रेमेडियल में 5, 6, 7 सेमेस्टर और रेगुलर में 5 and 7 सेमेस्टर का है। अप्लाई करने की लिंक, स्टूडेंट की लिंक यहाँ पे ही दी है जहां से आप लॉग इन कर सकते हो। अब मैं वन बाय वन इसको ओपन कर रहा हूं। तो सबसे पहला है रेगुलर स्टूडेंट का 5th and 7th सेमेस्टर का, तो सीधे हम डेट पे चलते हैं, जो कथा लिखी है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है उसको 17 अक्टूबर से लेकर के 1 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, उस टाइम में आप आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को 17 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर का टाइम दिया है, मतलब 7th सेमेस्टर की एग्जाम 12 नवंबर के 10-15 दिन के बाद शुरू हो सकती है और 5th सेमेस्टर की एग्जाम 1 दिसंबर के 10-15 दिन के बाद शुरू होने के चांसेस है। यहां पे आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अब दूसरी चीज, जब कभी भी आप फॉर्म फिलअप करते हो, आपका फॉर्म फिलअप करने के पैसे देने के बाद वहां पे एक्सेप्ट नहीं होता है, प्रोसेस नहीं होता है, तो 2 दिन 1 दिन का वेट कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। अगर नहीं होता है, दूसरी बार आप पेमेंट करते हो, तो पहली बार वाला पेमेंट अगर आपको वापस लेना है तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल आईडी पे भी आपको मेल कर देना है कि भाई मेरा नाम ये है, कॉलेज का नाम ये है, एनरोलमेंट नंबर ये है, सारी डिटेल्स वहां पे आपको लिख देनी है और साथ में आपका जो यूपीआई आईडी जनरेट हुआ होगा पहली बार पेमेंट का वो भी लिख देना है ताकि वो लोग प्रोसेस करके आपको आपका पेमेंट 13 वर्किंग डे में आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तो बात हुई रेगुलर स्टूडेंट्स की। अब मैं बात करता हूं रेमेडियल स्टूडेंट्स की। तो 5th, 6th और 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की डेट यहां पे लिखी है। 5th सेमेस्टर वाले रेमेडियल के स्टूडेंट है उसकी 17 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक की डेट है और 6th and 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट की 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक की डेट दी गई है। यहां पे भी कोई भी पेनल्टी नहीं है, साथ में फीस रिफंड करने के लिए सेम ईमेल आईडी है epay_query@gtu.edu.in। ये दोनों सर्कुलर में मेरा टेलीग्राम हैंडल प्रिय सर विद्यापीठ में रख रहा हूं, वहां से आपकी आप डेट नोट कर लेना, डेट रह नहीं चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली इनिशियल स्टेज में ही आपके फॉर्म भर देना ताकि लास्ट में पेमेंट का जो इश्यू आता है तो आपके साथ वो इश्यू आए नहीं। तो वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ, बाय।